भोपाल 5 दिनों तक सेना के रंग में रंगने लाएगी। हम इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं वो है MVM ग्राउंड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फौजी मेला लगाया गया है। पहली बार यहाँ पे इस तरह के मेले का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेना के जो आर्म्स है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और सेना की शौर्य गाथा यहाँ पे दिखाई जा रही है, प्रदर्शित किया जा रहा है उन चीज़ों को। आइए आपको पास से दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो हमारे जो सैनिक हैं, हमारे हमारे सेना के जवान हैं, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो उनके आर्म्स हैं वो यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आम आदमी में हमेशा जिज्ञासा रहती है सेना को जानने की, उनकी कार्यप्रणाली को जानने की। और ये भोपाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े टैंक रखे गए हैं, यहाँ पे आर्म्स रखे गए हैं। ये पहली बार यहाँ पे आम आदमियों के लिए रखे गए हैं यहाँ पे टैंक। यहाँ पे इनका प्रदर्शन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह सेना शौर्य से हमारे देश की रक्षा करती है। और शायद यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे से बच्चे यहाँ बैठे हैं जो हाथ में हमारे गौरव का प्रतीक तिरंगा लिए हुए हैं, उस ध्वज को यहाँ पे लहरा रहे हैं, हमारे गर्व का प्रतीक। आप देख सकते हैं इनमें हमारे देश को लेके गर्व की भावना है। सभी के हाथ में तिरंगा, जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक आप देख सकते हैं इनके हाथ में तिरंगा है जो ये लहरा रहे हैं। और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो सेना के CDS हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। जी, पहली बार भोपाल में फौजी मेला आयोजित हो रहा है, क्या मानती हैं आप, कितना ज़रूरी है लोगों के लिए जानना कि सेना किस तरह कार्य करती है? सर, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सेना के सहयोग के बारे में पता लगे। क्यों? क्योंकि ये सेना के अंदर तो सब चल ही रहा है, पर नॉर्मल सिविल सोसाइटी में ये अवेयरनेस नहीं है। तो अब ये फौजी मेला जब सिविल एरियाज में लगा है तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि अरे हमारी सेना सीमाओं पर क्या क्या काम कर रही है। चिल्ड्रन विल कम टू नो, यहाँ पर पता लगेगा कि क्या क्या डिफेंस इक्विपमेंट्स दे आर यूजिंग। टैंक्स हैं हमारे, फाइटर प्लेन्स हैं, डॉग शो है आज, और डिफरेंट एक्सपोजर हैं, गन्स हैं डिफरेंट टाइप की। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को ये अंदाज़ा लगेगा कि अच्छा, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए ही हमारी सेना इतनी आगे बढ़ रही है। साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे लोगों को, बच्चों को खासतौर से मालूम पड़ा कि सेना किस तरह काम करती है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देखने आए हैं, क्या नाम है? प्रतीक्षा। आप फौजी मेले में क्या देखने आए हैं? यहाँ पे बहुत स्टॉल्स लगे हैं और हर इम्प्लीमेंट्स लगाए गए हैं, वो सब देखने। आपने फिल्मों में देखा होगा सेना अपने जिस तरह हथियार यूज करती है, पहली बार देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि पहली बार मेरे को ये सब देखने को मिल रहा है। जी नहीं, कैसा लग रहा है आपको आज सैनिकों के बीच में आके? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारी सेना है जिससे हम रात भर हम अच्छे से सो सकते हैं। ये हमारी दिन ब दिन हमारी सेवा करती है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आपके हाथ में जो है ये क्या है? ये हमारे देश का झंडा है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, वो गर्व का प्रतीक है। आज यहाँ पे जिस तरह से फौजी मेले का आयोजन किया जा रहा है, क्या लगता है बच्चे पहली बार देख रहे हैं? फिल्मों में जरूर देखा था लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है, इस तरह का आयोजन कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को जब डिफेंस फोर्सेज के बारे में बोला जाता है तो उसमें क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या हमारे पास अभी है, हम कितने अच्छे से सशक्त हैं, ये बच्चों को पता होना चाहिए। इस माध्यम से ही बच्चे अवेयर हो रहे हैं और उनका वो जो प्राउड फीलिंग है और वो बढ़ता रहता है। आपको क्या लगता है, एक अभिनव प्रयोग है ये, पहली बार देखने को मिल रहा है भोपाल में जो आर्मी की टैंक्स हैं वो रखे गए हैं यहाँ पे, उनके एनिमेशन रखे गए हैं, किस तरह का आयोजन लगता है आपको? निश्चित ही सिविल एरिए के जो सिविलियन रहते हैं उनको आर्मी एरिए में जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, और एक आर्मी का अच्छा प्रयास है कि हम लोग सिविल एरिए में ये मेला लगा रहे हैं। MVM कॉलेज भोपाल का हार्ट है, सिटी ऑफ द सेंटर है, और मैं चाहूँगा कि भोपाल के युवा स्पेशली इस चीज़ को देखें और आर्मी की तरफ आकर्षित हों। उनको एयरफोर्स, नेवी या सिविल आर्मी में जाना हो तो वो जा सकते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा प्रयास है आर्मी का और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इससे सिविलियन के लिए स्पेशली।
अब आर्मी स्कूल से क्या लगता है आपको कि प्रदेश के हर शहर में ऐसे मेले लगने चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े आर्मी की जरूर महत्व? जी हाँ, मैं आर्मी स्कूल में टीचर हूँ और हम लोग देखते हैं जब प्रदेश में कहीं भी हम लोग खेलने जाते हैं तो आर्मी की तरफ एक उत्साह युवाओं में रहता है, नो डाउट उनका उत्साह रहता है। तो प्रदेश में इस तरीके से मेले लगेंगे छोटी छोटी जगह से, हमारी फौज में जो बच्चे आते हैं वो छोटी छोटी जगह से आते हैं, तो अगर ये सब मेले अगर स्टेट में छोटी छोटी जगह पर लगेंगे उसका निश्चित प्रभाव पड़ेगा और हमें अच्छी फौज मिलेगी, हमारा यंग ब्लड सही दिशा में जाएगा। तो साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के जो मेले होते हैं बहुत ज़रूरी ताकि हमारे देश के जो भविष्य जो बच्चे हैं उन्हें वो ये देख सके कि जो आर्मी है किस तरह काम करती है, और इनका ये कहना है कि ऐसा करने से हमें एक बेहतर आर्मी मिलेगी, लोगों में देशभक्ति का संचार होगा वो भी ज़रूरी है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि जो आर्मी के एनिमेशंस हैं यहाँ पे रखे गए हैं, पहली बार ये यहाँ पे रखे गए हैं, लाइट स्ट्राइक्स व्हीकल भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरह की एनिमेशंस की प्रदर्शित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आर्मी किस तरह काम करती है, उनके जो एनिमेशंस हैं वो कैसे होते हैं। इन्हें अभी तक लोगों ने फिल्मों में ही देखा है लेकिन अब ये इन चीज़ों को सामने से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। और ये जो फौजी मेला है अगले 5 दिन तक भोपाल में चलने वाला है, 1 अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे इस मेले में शामिल होंगे, और जल थल और वायु तीनों सेना के CDs यहाँ पे